आज हम कक्षा नौवीं नवम कक्षाएं के अंतर्गत जो विषय है संस्कृत विषय, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, तो किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कथा क्रम संयोजन। कथा क्रम संयोजन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को क्रम से जमाना, ये आपके पाठों से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा के लिए तैयार भी करना है। क्रम संयोजन यानी क्रम से क्रमबद्ध करना किसी चीज को, उसका संयोजन करना, कि जैसे हमने जो बुक में हमारे दिया हुआ है कोई भी पाठ, तो उसमें क्या स्टोरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, उसको क्रमबद्ध तरीके से जमाना ही क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे सबसे पहला हम आपको क्रम संयोजन यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, जो है ये पहला वाला, क्या दिया हुआ है इसमें, सा सखी भी सह तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, ठीक है। फिर उभौ नंदन्या सर्वविध परिचर्चा कृत। फिर है उमा मासान्ते उत्सर्वार्थ दुग्धस आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। मलिका पूजानार्थ मोदकानि रचति। फिर उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहति। कार्याणि समये कारणी यानी इति चंदना नंदन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। चंदना उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तु मास पर्यंतम दोहनम ना करोति और चंदनस्य पति तीर्थयात्रम समाप्रग्रह प्रत्यागच्छति। ये जो मल्लिका और चंदन जो नंदिनी गाय है ना, उसके विषय में दिया गया, तो अब अपन को इसको क्रम से जमाना रहेगा कि पहले क्या आएगा और बाद में कौन सा है, कौन सा क्रम पहले आएगा। देखिए सबसे पहला जो उसमें दिया है घा, घा क्रम कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। तो मल्लिका पूजनार्थ मोदकानि रचति, ठीक है। फिर दूसरा दिया है का, तो ये यहाँ पर आएगा दूसरा, इसका क्या क्रम आएगा, सा सखी भी सा तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। फिर दिया है गा, तो यहाँ पर आएगा ये गा। उमा मासान्ते उस सर्वार्थ दुग्ध से आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। फिर दिया इसमें, फिर इसके बाद क्या दिया है, छा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा ये छा। तो छा में क्या दिया है, चंदनस्य उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम ना करोति। फिर क्या दिया है जा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पांचवा आएगा जा। चंदनस्य पत्नी कहाँ, तीर्थयात्रम समाप्रग्रह प्रत्यागच्छति। फिर इसके बाद क्या दिया है, छठवा क्या आएगा, खा, ठीक। उभौ चंदन्या सर्वविधि परिचर्या परिचर्चा कुरुता। फिर इसके बाद दिया है णा, तो ये कहाँ पर आएगा, छह, ये आएगा सात। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोती तदा नंदिनी पाद, उत्सव वाले दिन जैसे ही दूध दोहने का प्रयत्न किया तो नंदिनी ने अपने पैरों से उस पर क्या किया, प्रहार कर दिया, ठीक है। फिर दिया है चा, ठीक है, तो ये आएगा चा। कार्याणि समे करणीयानि इति चंदना नंदिन्या पाद प्रणव अवगच्छति। जो भी कोई कार्य होता है उसको समय से ही करना अच्छा होता है, इस प्रकार से ये कहलाता है क्रम संयोजन। क्या कहलाता है, क्रम संयोजन। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा दिया है, सा प्रार्थत तांडुलान माँ भक्ष्य त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ पुरा कस्मैचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत अहम तुभ्यम तांडु मूल्यम दास्यामि एको विचित्र काका समुद्र तस्या समीपम अगच्छत। तो यहाँ पर जो सोने के कौए वाली जो है स्टोरी, उसके उसका दिया हुआ है ये क्रम संयोजन। तो आप देखिए यहाँ पर क्रम से सबसे पहला इसमें दिया है गा, फिर दिया है ण, फिर दिया है का, फिर दिया है घा और फिर दिया है खा। इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, क्रम से जमाना है, इसको ही कहते हैं क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो जो गा नंबर का आएगा पूरा कश्मित ग्राम है, इसमें एक नंबर आएगा। फिर तू दूसरा क्या दिया ना, ये दूसरा नंबर आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद दिया है का कौन सा नंबर आएगा, ये तीसरा नंबर आएगा। सा प्रार्थित तांडुलान मां भक्ष्य, ठीक है। फिर दिया है घा, तो जो घा दिया है वो दिया है चौथे नंबर पे। अहम तुभ्यम तांडु मूल्यस्य दास्यामि। फिर खा, फिर क्या दिया है, ये खा। ये परीक्षाओं में क्रम संयोजन आते हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए अब यहां पर दिया हुआ है तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागात कल्प वृक्ष तरु वाला जो पाठ है, इसमें स्थित तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरुस्थित
अस्मात् कल्पतरु अभिष्टम साध्यामि, अस्ति हिमानाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र, जीमूत वाहनस्य सर्वजीवनानुकंपया सर्वत्र यशः प्रार्थितम्। सह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। अब इसमें भी देखिए क्रम संयोजन में, तो जो ये दिया है गा नंबर, यहाँ पर एक नंबर आएगा, का जो दिया है ये दूसरे नंबर पे आएगा, तस्य ग्रद्याने कुल क्रम, यानी उसमें इनके कुल में जो उसमें कल्पतरु का जो वृक्ष लगा था ना उनके घर के उद्यान में, फिर दिया है ना ये तीसरे नंबर का आएगा, फिर है खा जो चौथे नंबर पे है, और फिर इसके बाद दिया है घ ये पांचवें नंबर पे। इस प्रकार से इस क्रम से आपको उसको क्रम का संयोजन बना करके लिखना है। अब यहां देखिए, विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं दृष्ट्वा नैवीक्षामि, तान्द्रन् बाल एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्, स्वादुनु भक्ष्य कवाली ते दास्यामि, सामधुक्रं बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमने गमन वेलायां क्रीडति अगच्छत्। ये भ्रांतो बालक वाले पाठ का क्रम संयोजन दिया हुआ है। अब इसका जो उत्तर है कौन सा है, ये पहला आएगा इसमें, ठीक है, फिर जो खा नंबर का है ये दूसरा आएगा, का नंबर का जो है तीसरा आएगा, ठीक है, और इसके बाद जो घा नंबर वाला है ये चौथा आएगा, और गा नंबर वाला पांचवा। इस प्रकार से उसको आपको क्या करना है, क्रम से जमाना है और लिखना है। तत्र गृहे लोह घटिका पूर्व पुरुषो पारिजिता तुला आसीत, त्वदीय तुला मुष्कै भक्षिता आसीत, कस्मिन् देहे अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वाणिक पुत्र तपुत्रस्य नदी तटाय शयनेन हत्रह भो श्रीष्णा दीयताम में सा निपेक्ष तुला। ये जो है लोह तुलका वाले पाठ का दिया हुआ है, इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और क्रम से कैसे जमाएंगे, ये वाला दिया है गा पहला आएगा, ठीक है, जो का है ये दूसरे नंबर पे जाएगा, अड़ा जो है ये तीसरे नंबर पे है, खा चौथे नंबर पे है, और जो घा है ये पांचवें नंबर पे। इस प्रकार से ये पूरा क्रम से आपका इसका जमेगा। आप देखिए यहाँ पर जो आप यहाँ आप लोगों के किताब में बुक में भी दिए होंगे, और ये परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, पूछे जाएंगे। ये दिया है कह का काम का कथयति, अधोलिखित कथानी कह कम प्रति कथमति, अर्थात नीचे लिखे कथन कौन किसके लिए कह रहा, तो ये कथनानी है, और कह का और कम का मैंने कौन किसके लिए कह रहा। पूर्वम प्रार्थ राशः क्रियताम, ये स्वर्ण काका जो है वह बालिकाम के लिए कह रहा है। फिर दूसरा दिया है सूर्य तपे टांडनम खगेभ्यः रक्षा, तो ये जो वृद्धा है वो बालिका से बोल रही है, बालिकाम आएगा। तांडुलान जो चावल है माँ भक्ष्य, ये जो बालिका है वह स्वर्ण काका से करे कि नहीं उसको खान मतलब खाने के लिए। अहम तुभ्यम तांडुमूल्यम दास्यामि, ये जो कौवा है कि मैं जो चावल तुम्हारे खाया हूँ तो मैं तुमको उसका मूल्य दूंगा, तो ये किससे कह रहा है, जो कौवा स्वर्ण सोने का कौवा है वो बालिका से बोल रहा है। भो नीच काका अहमागता महाम तांडुमूल्यम प्रक्ष, जो लुब्ध बालिका जो लोभी बालिका है वो स्वर्ण काका से बोल रही है। स्वामिनम प्रत्यगता अहम आस्वाद्या प्रसादम, ये जो मलिका है चंदनम प्रति चंदन से कह रही है, धन्यवाद मातुला है यामधुना, ये जो उमा है वह चंदन के प्रति बोल रही है। त्रिशक सेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, चंदन उमा से बोल रहा है, ठीक है। मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते, तो यहाँ पर जो चंदन है वो किससे बोल रहा है, देवेश मैंने कुंभकार जो घड़ा बनाता है उससे बोल रहा है। यहाँ देखिए पुत्र के नाम पाप कर्म करोमी, ठीक है ना, जो देवेश कुंभकार है वो मल्लिका के प्रति बोल रहा है। देवी मयापि ज्ञातम यदस्य माभि सर्वधानोचितम कृतम, जो चंदन है वो मल्लिकाम प्रति बोल रहा है। हाँ विधेय किदम मया कृतम, जो तपोदत्ता है वह विधम, ठीक है ना। भो महाशय किमिद विधीयते, जो तपोदत्ता है वह पुरुषम से बोल रहा है। भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, जो पुरुष है वह तपोदत्तम से बोल रहा है। सिकिता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, जो तपोदत्त है वो पुरुष से बोल रहा है। नाहम जाने को अस्ति भवान, तपोदत्त पुरुष से कह रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है भिन्न प्रकृति पद चुनना, भिन्न प्रकृति के पदों को क्या करना है, यानी जिनकी प्रकृति भिन्न हो, नीचे लिखे शब्दों में से भिन्न प्रकृति के शब्द को चुनकर लिखो। भिन्न प्रकृतम पदम चित्वा लिखत,
ठीक है ना। तो यहां देखिए काम दिया है वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम, तो यहां पर क्या आएगा सर्वस्वम। फिर दिया है यत्ने वचने प्रिय वाक्य प्रदाने और मरा लेन, तो यहां पर क्या आएगा वचने। श्रुयताम अवधारिताम धनवताम और क्षम्यताम, तो यहां पर क्या आएगा धनवताम। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में आते भी हैं। जंतवा नद्या विभूत्या परिता, तो यहां पर क्या आएगा परिता। अधि रोडुम तंतुम सेतुम निर्मातुम, तो यहां पर क्या आएगा सेतुम। निःश्वस्य चिंतनय ब्रह्मस्य उपा उपपेत्य, तो यहां पर क्या आएगा चिंतय। अब यहां देखिए विश्वस्मी विश्वसिमी पश्यामी करिष्यामी अभी लाशामी, तो यहां पर क्या आएगा करिष्यामी। तपो भी दुर्बुद्धि सिकता भी कुटुंबी, यहां पर क्या आएगा दुर्बुद्धि। तत्पदम रेखांतम कुरुत यत्र, उस शब्द को रेखांकित करो, ठीक है ना। लप प्रत्यय नास्ति, तो यहां पर क्या आ जाएगा लोह सहस्त्र। यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, तो यहां पर क्या आएगा सद्वरम। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, तो क्या पर आएगा स्ववीर्यतः। अब सर्वनाम पद यहां पर किसके लिए प्रयुक्त है, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, जो नीचे लिखे मोटे सर्वनाम शब्द हैं वह किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो जैसे पहला दिया है तस् सानो रूपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, तो ये किसके लिए आया है हिम्बते के लिए। फिर है राजा संप्राप्त यौवनम तम योव राज्य अभिषिक्तवान, तो यहाँ पर आया जीमूत वाहन के लिए। अयम तब सदा पूज्यम, ये कल्प वृक्ष के लिए है, कल्प वृक्षाय। अब यहां देखिए है विशेषण और विशेष्य। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष पदम अपरंच विशेषण पदम विशेषण पदम विशेष्यम पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखा, जो नीचे लिखे शब्दों के जोड़े में से एक विशेष पद और दूसरा विशेषण पद है, तो विशेषण पद और विशेष पद को अलग अलग चुनकर लिखना है। जैसे दिया दिया विशेषण और ये दिया है विशेष, तो जैसे खिन्ना बाला, तो यहाँ पर क्या आएगा विशेषण खिन्ना, विशेष्यम क्या आएगा बाला। पलायमानम श्वानम, तो पलायमानम और यहाँ पर आएगा श्वानम विशेष्यम। प्रीतः बालकः, तो यहाँ पर आएगा प्रीतः यहाँ आएगा बालकः। स्वादुनी भक्ष भक्षक वलानी, तो यहाँ पर क्या आएगा स्वादुनी यहाँ आएगा भक्षक वलानी, ठीक है। फिर है त्वरमाणा वस्या, तो यहाँ पर क्या आएगा त्वरमाणा और यहाँ पर क्या आएगा वयस्या, ठीक है। इस प्रकार से ये विशेषण और विशेष। अब यहाँ देखिए रावणस्य जटायोश्च विशेषाणि सम्मिलित रूपेण लिखतानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, रावण और जटायु के विशेषण एक साथ लिखे हैं, उनको अलग अलग करके आप लिखें, यहाँ पर दिए हुए, तो यहाँ पर ये रावण के हैं और ये जटायु के, तो यहाँ पर क्या आएगा युवा यहाँ आएगा वृद्धः, सा शरः तो यहाँ पर आएगा महाबलः, हताश्वः तो यहाँ आएगा पतक सत्तमः, फिर आएगा भग्न धन्वः महागृध्रः, क्रोध मूर्छितः खगाधिपः, सरथः यहाँ आएगा पते गुश्वर कवची और शरी। इस प्रकार मैंने आपके पाठों के अंतर्गत जो विशेषण है विशेष है जो क्रम संयोजन है पाठों के अंतर्गत उसको आपको बताया, भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को बताया जो कि पूछे जाते वस्तुनिष्ठ के रूप में भी, तो आप लोगों को परीक्षा के लिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है तैयार करना। धन्यवाद।